दुर्गे मैया की। तो सुनिए हमारा ये प्रोग्राम मारू का गौना गुप्ता कैसेट के माध्यम से सुन रहे हो। तीन केस्टों में पहले सुनिए साज, उसके बाद में आवाज। परमात्मा हमने सुन लिया जगदीश गुरु अपने उस्ताद के झुक चरण नवाऊ सी से गुरु चंदन हमनी बरी गुरु सागर हम कीच और जहाँ गुरु के चरण है सो भई हमारो सी से करनी करे तो क्यों रे अरे क्यों करके पछताए और पेड़े बे बबूर के तमाम कहां से अरे सुमिरन करके कई नारायण को बजरंग बलि को अरे सुमिरन देह बता जाई कसबा के हम मैया मन हमें फरका बाद की पल्ला बारी चिन्नई मोटर रोकी दो तो बादशाही को अरे पूजा ले लेती साहू कारण पे बीच सड़क पे मंदिर लो तो बनवाए जहाँ पर राम नाई करी स्नान अरे पिंडा सिराते राजा दशरथ के परो दरसनी नाम अच्छा ज्यादा सुमिरनी कौन बढ़ावे कात भोर हुई और महिमा दरसैया गुप्ता के सिटकी जो हुई गई जिला भर का बाद धरना आज घर की आई गई शारदा मैया सुना होई कोई आपने गवर्नर का नाम बहिक राजा भूख का किस्सा कहूं बखान एक समय की बात ढोला कुमर की डलाई डलवा शादी हुई गई गौने की कोई खबर या ना है सूखा पड़ गई थी आज 12 वर्ष की लाखा गौ तो पिंगुल गड़ के दरमियान जब झूला झूलो रे धोखे में मित्रों भाई पिंगुल के दरमियान आज पे कहानी आज तुम्हें सुनावे मित्रों सुलह लगा के ध्यान जब सवरो पता लगो मारू करती कौन से काम आज चिट्ठी लिख रही अपने सजना को बाई बगिया के दरमियान हाँ मित्रों बंजारा जाके झूला झूला मारू के साथ में जनाना बन के और आज जब पता लगा लिया तो आज मारू अपने पति महाराज को चिट्ठी लिख रही यानी ढोला कुमार को जबकि उसे पता लग गया तब आगे कहानी क्या होती है सुनिए। हे परदेसी। परदेसी कौन है हम तो ये बताइए हाँ। आप ढोला से छोटे या बड़े हैं? हम तो ढोला से हैं तो छोटे। तुम्हें मतलब क्या छोटे हैं या बड़े से मतलब क्या? मेरा थोड़ा काम है। काम है तुम्हारा जी तो हम बताएं तुम्हें छोटे या बड़े? वो काम मेरा कर दीजिए आप। पहले हमसे पूछिए छोटा बड़ा पूछा जी हम छोटे बताएं या बड़ा बताएं? नहीं मुझे बताइए। अरे सही साजे ढोला तेरी सैया साज ढोला वह पैदा आओ हम तौ भए ते भुरारी रात ए राती भरे को छोटे बड़े हैं आओ अब तुम आ
मंजिल की बता बहुगा, आज तुमसे कह रहे हो धर्म की बंजारो। हाँ आप बोलिए क्या बात है। तो ठीक है, हाँ मैं आपको एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ, मेरा उपकार कर दो। किनके लिए? ढोला कुमार के लिए। क्यों? अरे रोई रोई के चिटिया तो लिख, चिटिया तो लिख मारू नहीं ननी रबाई कैसे। अरे रोई रोई चिटिया जो लिख, चिटिया जो लिख मारू नहीं ननी रबाई कैसे रोवे। और पति कौली की रही मैं सात तलाक। और सास ससुर का पाई लागन लिखे, पाई लागन लिखे और बल मई लिखी रही जे सात तलाक। और सुनिए कहिए। और मैं क्या लिखती हूँ? हाँ लिखिए। अरे खाना तौ रखियो मेरे सजना दे सयरे तौ नरबार, ओ मेरे दूल्हा खियो रे गऊ के पति जी मेरे पूरी सजना के सपने में गुप्ता के दिटा हुई गई जा फरक गई बाद में हरे सारे।
जी तुम्हें बात ढोला के सुनने वाले आज मारू अपने पति को क्या क्या बातें लिख रही, क्योंकि उसका गौना नहीं हुआ था इसलिए भेजिए बस और कोई बात और कोई बात नहीं चिट्ठी तुमने हमें दी कि नहीं दी, लाइए जी लीजिए चिट्ठी को। अच्छा बैठ जाइए। अच्छा तो हम चलते हैं। जाइए, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। राजा नलिना दे लगाई आज चिट्ठी देख के आज नजर घुमाई, जब देखी चिट्ठी अपनी बहू की राजा नल गए ते सना का खाए, जो कहू खबर मालूम हो जाए ढोला लड़का को तो बिन गौनो कराऊ मान गो लड़का नायता से लेके चिट्ठी अपनी रानी से औ जा चिट्ठी को दे छिपाए, जो ढोला जाए गो देश पिंगुल में तो जिंदा बहा लला बचाई गो अवना दे करी तिरा जाले आरे लेके चिट्ठी आ जाऊ फुलई पायल औ सीत मही ललकी लई तिल गाय बानारी देवंती आओ धीरे धीरे
जानल पहुँचे अपनी रानी सही रहते वतलाए। अरे बाबरिया ढोलकिया तो महलों में बैठी कहिए महाराज, आपको कई खबर है? कुछ नहीं मुझे खबर है, कहिए क्या बात है? हम पे तुम पे जिस समय औखा पड़ी थी कहिए पति महाराज, उसी समय ढोला कुंवर की डलई डलवा शादी रचाई थी जी। आज उसी बहू की ये चिट्ठी आई है और उसमें तलाके लिखी, गौना करवा लीजिए, खाना खाओ तो गऊ का मांस खाओ, पानी पियो गऊ का रक्त पियो और शेष हो वो तो बहन की सास हो वो, इसलिए चिट्ठी को छुपा दीजिए। ढोला कुमार जाए जान लेगा तो वस गौना कराने जाएगा। सच्चाई करो गौतम चुरियो हथौड़ी को, आज आगे हुई रे कौन से ढोलकिया। हाँ साथियों, जब राजा नल महलों में आते हैं, जब दमयंती अपने पति के चेहरा की तरफ देखती है तो दमयंती अपने पति से किस तरीका से बतलाती है, तो मेरे साथी जरा ध्यान सुनिए। अरे कौना सी मुसीबत मेरे सजना आई गई, अरे तौ नारा जाओगी। नहीं महाराज बताइए मुझे। अरे जलनी तौ कन्हैया चिरैया तुम नहीं देश नर बनवे, जो तुमने पिंगुल में जन्म दिया था ढोला कुंवर को। कहिए पति महाराज मैं सुनती हूँ। बाई तौ लला की हमने शादी जाने करवाई, अरे ताई तौ बहु की मेरी प्यारी चिट्ठी आज आई गई। पति महाराज उसी बहू की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई हुई? हाँ। अरे गौनो तौ करा बहु चल के बात, अरे बेटा को ओ मेरी प्यारी सुन ले लगा केरी मेरी। हाँ मेरे मित्रों मास्टर साहब, जान जान है मेरे मास्टर गुप्ता, अरे केस को हम कहागत जान पर न अब तौ झनकार केस टबालन को, अब ना आगे हम कहू तुम करो ज्यादा बर्बाद। Yeah.
समझाओ। अब बताइए ढोला कुमार का गौना कराए या ना कराए, और ढोला कुमार का गौना हमारे तुम्हारे बस का तो है, लेकिन वहां ढोला कुमार को पता नहीं होना चाहिए, और हम तो वहां जाएंगे नहीं क्योंकि हमने उसकी दूसरी शादी कर दी। हे महाराज कहिए, सुनिए मैं बताती हूँ आपको। अरे बीदारी बता मैं मेरे सजना तुम कवर तो समझा, ओ मेरे दूल्हा दिल की रे बता नहीं मैं शादी तुम्हें बात। अरे यकीनो और ढोला कुमार नहीं मालूम पड़ेगी। हम एक कई बात तुम्हें समझा मैं राजी के भक्ति कहिए कभी महाराज। अरे चिट्ठिया छिपा ले जा गौने की और ना कहू खबर मालूम हो लला को, मेरी रानी सुन ले लगा के ध्यान महाराज। कहिए देखिए मैं भी वही आपको बात बताना चाहती हूँ तो आप सुनिए। देखिए कुमार घर से एक पोरा पारा या घड़िया मंगवा लीजिए और उसी में चिट्ठी को डुका कर कोने में रख दीजिए। मेरे साथियों उधर राजा नल और दमयंती आप उसे बात करते हैं, उधर क्या है कि देवा जो अंडा खड़ी हुई है वो केस उठा रही है और वो देख रही है कि सास ससुर ने मेरी ऐसी कोई चीज खाई है और रही बची जो कोने में डुका कर रख दी। मेरे पति महाराज जब आएंगे तो मैं सारी बात उनसे बता दूंगी। अरे जुग जुग जी कैसा जके बजवाइयो। हां मेरे मित्रों इधर चिट्ठी को देवंती और राजा ने छुपा लेते हैं और रेबा अंटा पे खड़ी देखती है, उसने सब कौतिक देख ली। इधर ढोला कुमार शिकार खेलने गए और शिकार खेल के वापस आए तो आज अपनी रानी रेबा के पास आ रहे कि क्योंकि रोज रेबा दरवाजे पे मिलती थी घड़ा लिए और आज नहीं तो अंदर ढोला कुमार चले जाते। रेबा जो थी रूठाल मैल में लेटी हुई आज ढोला कुमार अपनी रानी रेबा से क्यों क्या कहने लगे। आज तुम्हें दिल की बता दे ढोलकिया ए रानी साहब कहिए आज यहाँ क्यों लेटी हुई थी। कुछ नहीं महाराज। क्या बात हो गई। कोई बात नहीं हो गई। फिर तो क्यों बजाते जरूर है महाराज। क्या बात है। रोज गंगा जल को गड़ुआ लेके दरवाजे पे पहुंचती थी जाए, आज कौन सी कमी हुई गई देश नरम है, तुमने सूरत आज दिखाई ना। क्यों लेती हूँ महाराज। कहिए तो सुनिए मैं आपको बताती हूँ। बताइए दिल की बात बता दे। अरे जुलम तो गुजर गए मेरे सजना दे सयरे तो नारा मेरे दूल्हा रह गए रे ठिकाने
तुम कह रही हो जी महाराज, मैंने आखिर देखी है। अरे नाम तऊ डूबई बे पै प्यारी तुम तऊ बठाड़ी हो, आखिर तुम कऊ सर मारे रही ती जकतईना। मेरे माता पिता ऐसा नहीं कर सकते। नहीं महाराज, मैं आपको सही बताती हूँ, जाइए उनसे पूछिए जाकर के। चीज खारी तुम्हें नहीं बताई? नहीं बात महाराज। तो तुम उनसे अच्छी मंगा लो। नहीं महाराज, उनसे अरे ज्यादा ज्यादा उनने जलेबी लड़ुआ पेड़ा कोई चीज अच्छी खाई होगी, उससे ज्यादा कोई नहीं, उससे नहीं, अच्छी मंगा लो। आप तो कहते थे कि हमसे बढ़ के कोई वस्तु नहीं है, जो आपसे चुरा के रखी हमसे चुराई कोई बात नहीं, तो आपसे क्यों चुराई? अच्छा ये बात पूछी जाकर। अरे कई बात महाराज, देवंती जो है वो मेरी माता है। हाँ। हम एक कई बात तुम्हें समझा मैं, आओ हम से प्यारी कई कोई ना दुनिया पर, ऐसी चीज नहीं जो हमसे प्यारी हो। आओ जो कुछ चीज आई है नर पर मैं, चचा पे हम कहती है बताए। तुम काय कौ पीछे परी मैया के, जिस नहीं नौ महीना मोई राखो उधर मैं। जानती पति मैं इसी जगह चुरा ली थी। कबहू झूठ मैया नहीं बोले मेरी रानी काय कौ गई थी।